हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट रिव्यू विद एसएस सिस्टर्स पे। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आप देख सकते हो ये छोटा सा पिरामिड, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आप गेस कर सकते हो कि इसमें क्या है। छोटा सा पिरामिड ऑर्डर किया है मैंने ऑनलाइन। एक्चुअली में ये मैंने अल्मोफ्लोरा का वाइट सीलिंग फ़ैन ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे 1099 यानी कि 1100 रुपये का मिला है फ्री डिलीवरी चार्जेस। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये अनबॉक्सिंग कर ली है हमने। और कलर मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल क्रीमी वाइट है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और उस पर ये जो गोल्डन के जो इसमें सर्कल्स बने हुए हैं पैटर्न्स, ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको। बाकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो मुझे फ़ैन वगैरह का इतना कुछ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर करा है और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि इसमें क्वालिटी कैसी होती है नहीं होती है। बाकी अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा है। एक्चुअली में जो हमारा पुराना वाला फ़ैन है, तो अभी लास्ट टाइम जब वो रिपेयरिंग के लिए गया था ना, तो जब मैंने उसके वो पत्तियाँ ऐसे उठाई थी जो ब्लेड्स हैं उसके, तो वो थोड़े मुझे इसके मुकाबले में वो थोड़े से हैवी लग रहे थे, बट ये थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा है। बाकी फिनिशिंग वगैरह तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी, कलर भी बहुत अच्छा है। और बाकी तो लगाने के बाद में पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी हल्का है बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये बस कवर करने के लिए होता है ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो फ़ैन के इस हिस्से में ना जाए, बस ये कवर करने के लिए होता है, तो इतना कुछ इसका यूज़ है नहीं। बाकी ऑल ओवर तो मुझे ठीक ही लगा। और मुझे एक्चुअली में या तो इसमें ही एक वीडियो ऐड करनी पड़ेगी या मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा जब इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और फाइनली मैं इसको यूज़ करके एक्सपीरियंस्ड कर लूँ कि ये कैसा है, तो ही मैं फिर आपके साथ शेयर कर पाऊँगी कि एक्चुअली में इसकी क्वालिटी कैसी है। फ़िलहाल तो लुक वाइज ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर साइज़ वगैरह की हम बात करें तो ये जो ब्लेड्स के साइज़ है ना, ये 1200 mm के हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड साइज़ का पंखा होता है ना, वो सेम ही इसी साइज़ का होता है, तो
साइज़ वगैरह को लेके कुछ इशू नहीं है, साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, सारी चीज़ें परफेक्ट है। और बाकी तो इंस्टॉलेशन के बाद, इसको यूज़ करने के बाद समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में जो है वो कैसा है, नॉइज़ी है या नहीं है। वैसे इसके फीडबैक बहुत अच्छे थे, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो इसे टोटल 3385 लोगों ने रेट करा है और 4 out of 5 रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और मैंने फीडबैक भी पढ़ा था इसका, पॉजिटिव फीडबैक ही थे ज़्यादातर। बट बाय द वे इतनी रेटिंग्स अगर हैं तो ऑलमोस्ट ठीक ही होगा। और साइज़ तो मैंने बता दिया है आपको, और ये जो कलर है ये आइवोरी और आइवरी, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये वो कलर है। और 3 ब्लेड्स आती हैं इसमें, 3 ब्लेड्स के साथ आते हैं। और इसमें दिया गया है इसके 222 से 240 वोल्ट तक का है। ये जो ब्लेड्स हैं इसकी वो मेटल की हैं। जो इसका पावर कंजप्शन है वो 50 वाट का है। और अगर इसके वेट की बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि ये 2.6 केजी यानी कि 2 केजी 600 ग्राम का है। और इसकी हाइट वेट जो है बॉक्स वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कुछ ज़रूरत है। तो गाइज ये रहा ऑल ओवर डिटेल जो भी मैंने शेयर करा। मैंने इलेक्ट्रिशियन भैया को कॉल कर दिया है, तो उन्होंने कहा है कि वो कल आएंगे इसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे कल इंस्टॉलेशन के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो गाइज ये फ़ैन इंस्टॉल्ड हो चुका है और ये फुल स्पीड में है। मैं अभी आपको इसकी वॉइस सुनाती हूँ। तो गाइज़ आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।